टीवी की दुनिया के फेमस चैट शो कॉफी विद करण में मचे बवाल को लेकर हार्दिक पांड्या इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि कॉफी विद करण के चैट शो में पहुंचकर हार्दिक ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ड्रेसिंग रूम की कुछ बातें बताई थी और कई खिलाड़ियों को अपमानित किया था, जिसके बाद BCCI और COA ने मिलकर इनके खिलाफ लीगल इंक्वायरी बिठा दी है और फिलहाल KL राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों ही सस्पेंड हैं टीम से। अब ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि इनका सस्पेंशन कितना लंबा होता है। बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि इनको IPL में भी बैन कर दिया जाए। इन्होंने चीयर लीडर्स के बारे में भी काफी कुछ कहा है। ऐसे में हार्दिक पांड्या के ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटने के बाद अपडेट ये आ रही है कि वो अपने घर में खुद को बंद किए हुए हैं और उनके पिता हिमांशु पांड्या ने कहा कि हार्दिक किसी से बात भी नहीं कर रहा है। यही यहाँ तक कि वडोदरा में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन वो त्यौहार भी नहीं मना रहा था। उसे पतंग उड़ाने का शौक है, लेकिन उसने एक बार फिर अपनी गलती को स्वीकार किया है और चुपचाप शांति से घर में बैठा हुआ है। हालांकि इस मामले में BCCI के CEO राहुल जौहरी ने हार्दिक और राहुल दोनों से बातें की हैं, लेकिन अभी तक इस मामले का निष्कर्ष सामने नहीं आया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।